चलिए एक दिखाते हैं आपको, देखिए कितना सॉफ्ट है। आप लोग मावे से बने गुलाब जामुन ज़रूर खाए होंगे, लेकिन इस तरह गुलाब जामुन बनाकर खाए, गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला, मिठाई खाना तो सभी को अच्छा लगता है। इस बार राखी में मिठाई हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, घर में बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो चीनी, 300 ग्राम फुल क्रीम दूध, 150 ग्राम बारीक सूजी, 4 इलायची, 1 बड़ा चम्मच घी। आधा किलो चीनी के लिए हम डाल देंगे 200 ग्राम पानी, डाल देंगे चीनी। चीनी चलाते रहेंगे, नीचे चिपक ना जाए। आप बराबर नहीं चलाएंगे तो चीनी नीचे चिपक जाएंगे बर्तन में। चीनी अच्छी तरीके से गल गई है, अब हम मीडियम आंच पर ढक के 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका है, चलिए हम देखते हैं। देखिए अब हम डाल देंगे इलायची, गैस बंद कर देंगे, ढक के हम साइड में रख देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म है, डाल देंगे सूजी। सूजी को 3 मिनट हम भूंज लेंगे। 3 मिनट हो चुका है, सूजी को हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच घी। घी को हम गलने देंगे, देसी घी है। घी गल गए हैं, डाल देंगे दूध। जितना आप सूजी लेंगे उससे डबल आप दूध लेंगे। थोड़ा सा चलाएंगे, दूध में 1 उबाल आने देंगे। अब हम धीरे धीरे करके डाल देंगे सूजी, क्योंकि दूध गर्म है, लम्स पड़ सकते हैं। चलाते रहेंगे, गैस बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सूजी की मावा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा होने देंगे। डो हमारा ठंडा हो चुका है, हमें डो को पूरा ठंडा नहीं होने देना है। अब हम डाल देंगे बड़ा 1 चम्मच घी। अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। आपका मावा ज़्यादा चिपचिपा लगे तो आप 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से हम मैश करेंगे। डो हमने हाथों से देखिए अच्छे से मैश कर लिया है। देखिए डो हमारा कितना सॉफ्ट है। अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, इसी तरह हम बना लेंगे। चलिए अब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। गैस को हम मीडियम करेंगे, चलिए देखते हैं। हम एक साथ ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन फ्राई हो चुका है, हमें इससे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, निकाल लेंगे।
चाशनी में डाल देंगे। एक भी गुलाब जामुन ना बिखरा है ना टूटा है। दस मिनट हम गुलाब जामुन को चाशनी में ढक के रख देंगे। दस मिनट से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। दस मिनट हो चुका है, चलिए देखिए गुलाब जामुन कितना फूल चुका है। चाशनी से हम निकाल लेंगे। दस मिनट से ज़्यादा हम चाशनी में नहीं रखेंगे। देखिए लीजिए, गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुका है। अपने भाइयों को खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेकर।